जैसे ही दीपावली नजदीक आती है उलों की जान पर खतरा मंडराने लगता है। यह खतरा प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि इंसानी अंधविश्वास का परिणाम है। हर साल दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उलों की बलि देते हैं, जिससे यह संकटग्रस्त प्रजाति और मुश्किलों में घिर जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त तेज कर दी है। उत्तराखंड वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा ने लोकल 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इसके पीछे की वजहों को भी बताया और वन विभाग इससे कैसे निपट रहा है इसकी भी जानकारी दी। इस दिवाली में जो गलतफहमी कुछ लोगों के मन में है कि उल्लू का के ऊपर उन्होंने कुछ गलत काम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि उल्लू जो होता है वो लक्ष्मी जी का वाहन है और देवभूमि में हम तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास होना नहीं चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैं पूरा उत्तराखंड में अभी सभी को अलर्ट कर दिया है कि उल्लू प्रजाति के ऊपर विशेषकर हमारा निगरानी रहेगा। सभी लोगों ने आसपास का जो गांव होंगे उनको मन में ये चीज़ें लाना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है, ये शेड्यूल 1 बर्ड है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इसको बहुत सुरक्षा मिला है और किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड का प्रावधान भी है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस चीज़ में अपने आप को देखना चाहें। हम चाहते हैं कि दिवाली के टाइम पे हमारा जो हमारा साथी है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड डिफरेंट स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड से लेके हमारा DFO साहब तक, उन सभी ने अभी अलर्ट मोड में आ चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई शिकार इस समय पे जैसे ना हो, क्योंकि इस समय पे लोग सोचते हैं कि वन विभाग भी दिवाली मनाएगा, वन विभाग दिवाली में उसका जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमको वनों का सुरक्षा के साथ साथ वन्य प्राणी का सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है और मैं चाहूँगा कि लोग हमारे साथ सहयोग करें। अगर किसी जगह पे किसी प्रकार का कोई शिकार या उल्लू पकड़ने जैसे बात होता है तो निकटतम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है या हमारा जो टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पर तत्काल इसको बता सकते हैं। केवल वन विभाग नहीं, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षतिप्राप्त जो हमारे NGOs है या ऐसा कोई ट्रस्ट है जिन्होंने कुछ जानवर या चिड़िया के ऊपर विशेष स्तर पर काम करें, जैसे एक ऑल्स इंडिया है जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हॉल के बारे में, तो दो चीज़ें होता है, तो एक तो उनका परिवेश का सुरक्षा देना और दूसरा है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो जाए उससे सुरक्षा देना, एवं ये भी स्टडी करना है कि उनका हमारे इकोसिस्टम में कितने बड़ी योगदान है। मैं तो कहूँगा उल्लू जो होता है ना हमारा फार्मर का फ्रेंड होता है, क्योंकि वो उस प्रकार के जानवर को नियंत्रण करते हैं जो हमका खेत के ऊपर या जो हमारे स्टोरेज ग्रेन्स होते हैं उसके, जैसे चूहा प्रजाति का जानवर होते हैं वो बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं और उनके द्वारा काफ़ी बीमारी भी फैलता है। तो कुदरत का एक नियम है, तो अगर उल्लू रहेगा तो फिर चूहा का संख्या भी नियंत्रण में रहेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि चूहा समाप्त हो जाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का एक अंश विशेष भी वो भी है, तो नेचर के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, उल्लू भी सुरक्षित रहे और आदमी भी सुरक्षित रहे और बहुत ही अच्छी प्रकार के हमारा दिवाली मनाए बिना कोई हिंसा का।